देखिए बात करते हैं ऑफ द टू फिल्म पहले इसका बेसिकली हम सीखते हैं पहले इसका बेसिकली आपको सिखाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा गौर से देखिएगा हम समझाते हैं आपको नियम कहता है इसका पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं फिर आपको समझ में आएगा ये नियम कहता है कि कॉम्परेटिव एजेक्टिव के पहले नियम कहता है कि कॉम्परेटिव एजेक्टिव से पहले प्राय द नहीं लगता है प्रायः दा नहीं लगता है ध्यान रखिएगा नियम कहता है कि प्राय कंपरेटिव एडजेक्टिव से पहले प्रायः दा नहीं लगता ये नियम हमारा हुआ दूसरा नियम कहता है सेकेंड नियम अब इसका ऑप्शन चुनिए नियम कहता है कि जब-जब दो व्यक्ति में सिलेक्शन हो जाए जब-जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बारी आ जाए जब-जब दो व्यक्ति वस्तुओं में किसी एक को सिलेक्शन करने की बारी आ जाए कंपरेटिव के पहले हमेशा 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 दा प्लस कंपरेटिव का इस्तेमाल किया ठीक है? पहले फॉर्मेट तैयार कर लिए कि से पहले प्राय द नहीं लगता क्लियर अब हम अगला प्रोसेस समझेंगे कि यदि दो में से किसी एक को सिलेक्शन करने की बारी आ जाए तो कंपरेटिव के पहले हमेशा द लगेगा हमेशा द लगेगा जैसे हम बताते हैं आपको जैसे हम बताते हैं देखिए रोहन रोहन इज वेटर दे मुन्ना मुन्ना ठीक है अब कह रहे कि रोहन इज वेटर देन मुन्ना रोहन जो है मुन्ना से बेहतर है यहां कंपरेटिव लिखा गया लेकिन कंपरेटिव के पहले दा नहीं लगाया गया ठीक है यहां कंपेयर बिल्कुल सही है अब बात करेंगे अगला नेक्स्ट आइएगा रोहन इज बेटर देन मुन्ना रोहन जो है मुन्ना से बेहतर है अब इसी में बात करेंगे रोहन रोहन इज बेटर बेटर ऑफ द ऑफ द टू बॉयज ऑफ द टू बॉयज ठीक है रोहन जो है दोनों लड़कों में से बेहतर है अब यहां देखिए रोहन के बारे में बात जब किया गया रोहन ऑफ द टू बॉयज अब दो में से किसी एक को सिलेक्शन कर लिए दो लड़का है ऑफ द टू बॉयज दोनों में से कौन बेहतर है रोहन बेहतर है अरे दो लड़कों में से किसी एक को उठा लिए रोहन को जब दो में से किसी एक को सिलेक्शन किया गया यहाँ कंपेयर था दोनों अच्छा है लेकिन एक ज्यादा अच्छा है एक कम लेकिन यहाँ सिलेक्शन हो गया दोनों में से रोहन अच्छा है ठीक है जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कंपरेटिव नहीं बल्कि कंपरेटिव के पहले क्या ऐड करना पड़ेगा द लगाना पड़ेगा वेटर यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस को आप रीराइट भी लगा सकते हैं ऐसे सेंटेंस को एग्जामिनर क्या करेगा उलट के भी पूछेगा ऑफ द टू ऑफ द टू बॉयज ऑफ द टू बॉयज अगला रोहन इज द इज द वेटर इज द वेटर क्या कोई आपत्ति आप लोग को समझने में कोई दिक्कत देखिए तो बोले जल्दी ऑफ द टू बॉइज रोहन इज द यहाँ यहां बेटर आपको लगाना पड़ेगा द बेटर आपको लगाना पड़ेगा ऑफ द टू क्लियर हो गया ऑफ द टू अक्सर लिखा हुआ रहेगा दो में सिलेक्शन जब जब आएगा तब तब आपको कंपेटिव पहले द लगाना पड़ेगा नोट हो गया यहां तक यहां भी देखो ऑफ द टू फिल्म्स का बात किया गया ऑफ द टू फिल्म का बात किया गया जब ऑफ द टू फिल्म का बात किया गया जब दो की चर्चा कर रहा है सुपरलेटिव हमेशा दो से ज्यादा होता है जब यहाँ दो की चर्चा कर रहा है तो यहाँ कैसे आएगा बेस्ट कैसे आएगा वेटर होनी चाहिए द वेटर होनी चाहिए द बेस्ट नहीं द होनी चाहिए तब पर भी सेंटेंस गलत है हाँ आपको एक नंबर भले मिल रहा सी ऑप्शन सही करने से आपको एक नंबर मिल रहा लेकिन सेंटेंस अभी भी गलत है ये तो हुआ दो में किसी एक का कर सिलेक्शन करने की बारी आएगा तो दा प्लस कॉम्परेटिव लगा देना Confirm, दा प्लस कॉम्परेटिव आएगा दो में कभी आ ही नहीं सकता दो में कभी आ ही नहीं सकता नेक्स्ट आइए अब बात करते क्वेश्चन पर है ना अब यहाँ लिखा हुआ ऑफ ऑफ द द टू टू दोनों फिल्मों में से एन एनविच स्टार्टेड जिस फिल्म को उन्होंने स्टार्ट किया आई थिंक मैंने विचार किया कि द फर्स्ट इज द बेस्ट अब तो बेस्ट मन से निकल गया होगा द वेटर लगाने की बात हो रहा है द वेटर लेकिन एक हमारे सामने आ गया ठीक है एक और समस्या हमारे सामने आ गया देखिए क्या समस्या आ रहा <coughs> फॉर्मर और लेटर के बारे में सुने होंगे फॉर्मर यहां लिख देते हैं, फॉर्मर और एक लेटर लेटर एक होता है फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट और लास्ट इसका भी डाटा तैयार कर लेते हैं फॉर्मर और लेटर जो होता है ये दो के लिए होता है दो के लिए यूज करते हैं फर्स्ट और लास्ट जो आता है दो से ज्यादा में यूज होता है ये दो से ज्यादा में यूज होता है ये ये दो दो के लिए ये दो से ज्यादा में सवाल ये नहीं उठता सवाल ये उठता है कि और लेटर आता ही क्यों क्यों हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ जाता है पहले इसकी जानकारी समझ लेते हैं फॉर्मर और लेटर का यूज हम दो के लिए फर्स्ट और लास्ट दो से ज्यादा में पहला फॉर्मर दूसरा लेटर प्रथम फर्स्ट अंतिम लास्ट यदि यहां आपको दो से ज्यादा रहे प्रयोग करना तो फॉर्मर के स्थान पर फर्स्ट कर देना और फर्स्ट के स्थान पर फॉर्मर कर देना लेटर के स्थान पर लास्ट और लास्ट के स्थान पर लेटर यानी यदि प्रयोग संख्या में डिफरेंट आएगा तब मतलब हुआ कि यदि फॉर्मर और लेटर दो से ज्यादा में प्रयोग कर दे अंदर तो फॉर्मर के स्थान पर फर्स्ट लेटर के स्थान पर लास्ट यदि फर्स्ट और लास्ट का प्रयोग आपको दो में हो जाए तो फर्स्ट के स्थान पर फॉर्मर और लास्ट के स्थान पर लेटर अब क्वेश्चन देखिए आप films, दोनों फिल्मों में से एनवे स्टार्टेड जिन फिल्म को उन्होंने देखा देखना शुरू किया आई थिंक फिर मैंने विचार किया कि द फर्स्ट यहाँ दो ही फिल्म है तो द फर्स्ट यहाँ क्या कर रहा यानी यहां आपका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन का फाइनल आंसर हम बनाते हैं यहां से यहां तक का फाइनल बनाते हैं द फॉर्मर द फॉर्मर इज द इज द वेटर इज द वेटर ये आपका फाइनल आंसर हुआ क्लियर हो गया ये समझ में आया आप लोग को फॉर्मर और लेटर फॉर्मर का प्रयोग दो में पहला लेटर दो से दो में दूसरा અને દો બાસ્તુ વ્યક્તિ રહેગા તભી ફોર્મર લેટર આયગા યહા તો ઓફ ધ ટુ કન્ફર્મ કર દિયા ટુ મેને દોનો ફિલ્મ દોનો ફિલ્મો મેસે ઉનહોને દેખના શુરુ કિયા جس પર મેને વિચાર કિયા કે પહેલા જ્યાદા અચ્છા ધ ફોર્મર ઇઝ ધ બેટર પહેલા ફિલ્મ મે અચ્છા ફોર્મર ફર્સ્ટ લેટર લાસ્ટ ક્લિયર હો ગયા અ બેસ્ટ નહીં બલકે ધ બેટર હોગા ક્યુકે દો પર્સન મે કભી સુપરલેટિવ આઈ નહીં સકતા ક્યા કોઈ દિક્કત बोलो इसका भी एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको देखो बात पहले समझिए ना इसका मेन जड़ पकड़िए आप मेन जड़ पकड़िए मेन जल, पकड़, जल पकड़ाएगा तो ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आपसे कभी छूटेगा नहीं पहले मेन जड़ पकड़ेगा भले क्वेश्चन लेट होगा कम क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन मेन जड़ पकड़ाएगा ना तो हजारों क्वेश्चन बनेगा आपका देखिए बात होता है कि समस्या की फॉर्मा लेटर सर आप प्रयोग क्यों करते हैं क्यों करते हैं देखिए इसका कोई रीजन नहीं है मेरा कोई शौक नहीं प्रयोग करने का लिख देते हैं अब देखिए अजब लाल अजब लाल एंड मुन्ना लाल मुन्ना लाल आर फ्रेंड्स आर ब्रदर्स आर ब्रदर्स आर ब्रदर्स ठीक है भाई अब हम बात करें दो पर्सन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अजब लाल एंड मुन्ना लाल और ब्रदर्स दोनों भाई है कोई तकलीफ नहीं आपको लेकिन लिखे हैं हिज हिज वेरी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट अब आप बताएंगे आपकी समस्या आप, समस्य आप देखिए खड़ा होगा अब समस्या क्रिएट होगा कि हम कैसे यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा कह रहा क्वेश्चन अजब लाल और मुन्ना लाल अजब लाल और मुन्ना लाल दोनों भाई है क्या है भाई भाई है कोई बात नहीं लेकिन लिखा गया वह जो है वह काफी तेज है अब आप खुद दिमाग लगाइए कि सर आप खुद सिखाते कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है तो भाई साहब आजब लाल के लिए भी ही प्रोनाउन आएगा और मुन्ना लाल के लिए भी ही प्रोनाउन आएगा अब बताइए कि ही किसके लिए लिखा गया आप बताइए कि ये ही किसके लिए लिखा गया तो झगड़ा हो जाएगा अजब लाल कहेगा कि हमारा लिए लिखा गया मुन्ना लाल तो आर एकदम जरल है कहेगा हमारा लिए लिखा गया इतार कहेगा हमारा लिए लिखा गया तो ये कन्फ्यूजन आपको दिख रहा होगा ये कन्फ्यूजन आपको दिख रहा होगा कि अजब लाल के लिए ही है या मुन्ना लाल के लिए ही पता कोई कर सकता है नहीं कर सकता ऐसी परिस्थिति में आपको द लाइटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये प्रोसेस गलत है क्यों गलत है क्योंकि आपको खुद दिख रहा होगा कंपेयर खुद दिख रहा होगा कि यहां जब ही लिख रहे हैं तो ही में मुन्ना लाल ला आएगा ला कि अजब लाल पता ही नहीं चल रहा ये पता ही नहीं है कि कौन ला लाएगा ला ला पता ही नहीं है अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको यदि लिखना चाहते हैं अजब लाल ला के बारे में तो द फॉर्मर यदि मुन्ना लाल ला के बारे में तो द लेटर तो इसका फाइनल आंसर होगा अजब लाल एंड मुन्ना लाल एंड मुन्ना लाल आर ब्रदर्स आर ब्रदर्स हो गया द फॉर्मर द फॉर्मर यदि द फॉर्मर लिखेंगे तो आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं दो में पहला कौन है अजब लाल किसके बारे में अजब लाल के बारे में के बात कर रहे हैं तो अजब लाल द फॉर्मर इज इज वेरी इज वेरी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट द फॉर्मर लिखेंगे तो किसके बारे में अजब लाल यहां समझो लिखा गया यदि हम द लेटर लिखेंगे तो समझो मुन्ना लाल के बारे में बात होगा